इस वक्त की बड़ी खबर जो है किश्तवाड़ के वाड़वन से आ रही है और वहां पर जो है एक कटर स्नो कटर मशीन का जो है हादसा हो गया है और इस हादसे में जो है दो लोगों की जान चला गई है और दो लोग जो है जख्मी है। फिलहाल उनको जो है इलाज के लिए हॉस्पिटलाइज किया गया है, लेकिन जो हादसा वहां पर पेश आया यानी रात को ज्यादा बर्फबारी होने के बाद जो है कटर मशीन, लेकिन इसमें जिन लोगों की जान गई है मैं भी उनका नाम बता दूं आपको, इसमें चार लोग सवार थे, शापिया बानो डाटरा मोहिदीन ईशा, इनकी उम्र जो है 25 साल है, और इसके बाद गुलाम मोहिदीन सरनाम शाबान चौपन, इनकी जो है 60 साल उम्र है, इसके बाद अब्दुल गनी काका सरनाम सुबहान काका, इनको जो है इनकी उम्र जो है 48 साल है, और इसके बाद खुर्शीद अहमद सरनाम गुलाम मोहम्मद आरो बेरियान, इनकी उम्र जो है 38 साल है। अभी कुछ समय पहले जो है मेरी बात जो है एसएसपी अब्दुल क्यूम जो है किश्तवाड़ के उनके साथ हुई और उन्होंने कहा कि इस तरह से वहां पर यह हादसा हुआ है और इस हादसे में जो है दो लोगों की जान जा चुकी है और दो लोग जो है जख्मी है। इसमें जान जाने वालों के नाम बता दूं मैं आपको, गुलाम मोहिउद्दीन इनकी जान चला गई है और उसके बाद जो है अब्दुल गनी का कोका सरनाम सुबहान कोका, इन दो लोगों की जो है इस हादसे में जान चला गई है। लगातार शायद बर्फबारी के कारण और ये एरिया जो है बिल्कुल वहाँ से अनंतनाग बिल्कुल पास में पड़ता है और जब मेरी उन वहाँ पे बात हुई तो जो इंजर्ड लोग हैं शायद उन लोगों को जो है इलाज के लिए जो है अगर ज़्यादा इमरजेंसी केस होगा यानी सीरियस हो गए तो अनंतनाग साइड जो है भेजा जाएगा क्योंकि किश्तवाड़ वहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है। और इस तरह का हादसा यानी दुख भरी खबर वहाँ से सामने आ रही है जिस हादसे में जो है दो लोगों की जान जा चुकी है और दो लोग जो हैं जख्मी हैं। यह हादसा किश्तवाड़ के वाड़वन एरिक में हुआ है और कुछ समय पहले रेड क्रॉस जो सोसाइटी है किश्तवाड़ में उन्होंने ये अपडेट सामने रखी थी। उसके बाद मैंने फ़ोन यहाँ के एसएसपी किश्तवाड़ के जो हैं अब्दुल क्यूम और जो आज ही उन्होंने जो इंचार्ज वहाँ पे पकड़ा है और उसके बाद उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस हादसे में दो लोगों की जान चुकी है और दो लोग जो हैं जख्मी है, जिसमें मैंने आपको बता दिया अब्दुल गनी कोका और गुलाम मोहिउद्दीन, इन दोनों की जो है जान जा चुकी है इस हादसे में और दो लोग जो हैं जख्मी है, शोपिया बानो और खुर्शीद अहमद जो है जख्मी है। फिलहाल वहाँ पर कभी भी कोई हादसा होता है या कोई भी चीज़ होती है तो रेड क्रॉस सोसाइटी जो है लगातार वहाँ पर काम करती है और कहीं पर भी हादसा होता है तुरंत वहाँ पर पहुँच जाती है क्योंकि उनके वॉलंटरी लोग जो हैं जगह जगह पर होते हैं और कभी भी अगर दरिया चिन्हाब में या कहीं पर भी ये चीज़ें सामने आती है तुरंत वहाँ पर पहुँच कर उन लोगों को जो है रेस्क्यू किया जाता है। और लगातार एक और अपडेट है मेरे सामने और इस अपडेट को भी आपके सामने रखूँगा। एक एडवाइजरी जो है जारी की गई है और ये एडवाइजरी जो है वेदर के रिलेटेड है और वेदर के रिलेटेड जो है वार्निंग 6 डिस्ट्रिक्ट में जो है जारी की गई है और ये 6 डिस्ट्रिक्ट में आपको बता दूं अगले 24 घंटों के लिए ये यानी लो डेंजर लेवल लाइकली अकोर अबाउट 2800 to 3500 meters और ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पुंछ, बारामूला, बांडीपोरा और कुपवाड़ा यानी डोडा, इन 6 डिस्ट्रिक्ट में जो है इस तरह से ये हो सकता है आने वाले समय में जो है दोबारा से बारिश या बर्फबारी जो है देखने को मिलेगी। ये इस तरह की खबर सामने आ रही है जिसमें मैंने आपको बता दिया डोडा गांधरबल के लिए जो है अगले 24 घंटे में जो है बताया गया है और इस तरह के मैसेज आपके फ़ोन नंबर पे भी आ रहे हैं। फिलहाल दुख भरी खबर जो थी वो किश्तवाड़ से सामने आ रही थी जिस हादसे में जो है दो लोगों की जान जा चुकी है, दो लोग जो है जख्मी है। फिलहाल देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून, मैं विकास मन्हास, टोडा।